हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बेल पेपर चिकन रेसिपी। और अभी विंटर सीजन है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए एटलीस्ट वन टाइम। सो इसे बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये हैं। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 3 टेबल स्पून, कॉर्नस्टार्च पाउडर 5 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबल स्पून, दही लिया है मैंने 3 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टेबल स्पून जीरा लिया है मैंने, और 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद तिल ली है यहाँ पर, और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, और चिकन लिया है मैंने 800 ग्राम बोनलेस चिकन। यहाँ पर 3 तरीके के बेल पेपर्स हैं, येलो, रेड एंड ग्रीन, और स्प्रिंग अनियन लिया है मैंने यहाँ पर। अब एक बोल लेंगे हम लोग और उसमें अपने चिकन के पीसेस ऐड कर लेंगे, और दही ऐड किया मैंने यहाँ पर, मैदा ऐड किया, 1/2 कॉर्नस्टार्च पाउडर मैं अभी डालूँगी और 1/2 ग्रेवी के लिए बचाएंगे, रेड चिली फ्लेक्स मैंने 2 पिंचेस डाले हैं यहाँ पर, और अब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, ग्रीन चिली पेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से आपको इसे मिक्स करना है ताकि पूरा मसाला मिक्स हो जाए, इस चिकन पर कोट हो जाए। तो अच्छी तरीके से मैं इसे मिक्स कर लूँगी, और इसे हमें रखने की ज़रूरत नहीं, हम इसे तुरंत फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें ऑयल डाला है, ये गर्म हो चुका है ऑयल, और आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। अब मैं यहाँ पर चिकन के पीसेस ऐड कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं अपने सारे पीसेस ऐड करके और इसे फ्राई कर लूँगी अच्छे से। इसकी साइड चेंज करते हुए हम इसे गोल्डन कलर का फ्राई करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप हल्के हाथों से इसे टर्न कीजिए और गोल्डन कलर इस पर आने तक का वेट करेंगे हम। अब आप देख सकते हैं इस पर गोल्डन कलर आ चुका है, और अब मैं इसे निकालूंगी। इसी तरीके से सारे पीसेस हम फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी बचे थे पीसेस मैंने सबको फ्राई कर लिया है अच्छे से, और अब मैं इसे निकालूंगी और साइड कर लेंगे इसे हम। अब रखेंगे एक कढ़ाई, और मैंने इस पर 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है, और फ्लेम इस वक्त हमारा मीडियम होगा। अब डालेंगे ज़ीरा, और ज़ीरा को हल्का सा सॉटे कर लेंगे, बस हल्का सा हमें इसे भूनना है। अब हम अपनी तीनों सब्जियों को डाल लेंगे, और बिल्कुल हल्का सा हमें बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक करना है। ओवर कुक हम नहीं करेंगे, ना तो ये बेल पेपर्स क्रंची नहीं रहेंगी और फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसे हल्का सा सॉटे कर रही हूँ, बस 2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा। अब ये हो चुका है, और अब मैं इसे निकालूँगी। अब मैंने यहाँ पर एक पॉट रखा है, और इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी, और फ्लेम मीडियम होगा इस वक्त। अब डालेंगे यहाँ पर सफ़ेद तिल, 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाल लिया है, थोड़ा सा गार्निश के लिए बचाया मैंने, और फ्लेम को स्लो कर लेंगे, हल्का सा इसे बस भून लेंगे हम लोग। जो मैंने कॉर्नस्टार्च बचा लिया था उसमें मैंने पानी ऐड किया है, और इसमें मैंने ऐड कर लिया है, और अब मैं इसे मिक्स करूँगी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पर 1 कप पानी मैंने ऐड किया है, और इसे मिक्स करेंगे। अभी आप देखेंगे ये कुछ सेकंड्स में इसमें मिक्स हो जाएगा, कॉर्नस्टार्च अच्छे से घुल जाएगा। तो
तो यहाँ पर इसे अच्छे से कंटिन्यू टर्न करेंगे हम। अब डालेंगे सोया सॉस और इसे मिक्स करेंगे कि 1 से 2 मिनट में थिक होना शुरू हो जाएगा और इसमें जो लम्स है वो भी इसमें मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं इसमें कॉर्नस्टार्च अच्छे से घुल चुका है और मैंने इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लिया है और ये सॉस थिक है, रेडी है। अब फ्लेम स्लो कर लेंगे और हम अपने वेजिटेबल्स और चिकन को ऐड कर लेंगे इसमें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स। अब ऐड करेंगे तिल और थोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। और अब डालेंगे काली मिर्च पाउडर और अब डालेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और तीनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और 1 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे सॉस में अच्छे तरीके से, ताकि सॉस में ये मिक्स हो जाए अच्छे से। आप इस रेसिपी को नान, चावल और पराठे के साथ भी खा सकते हैं, एज अ स्टार्टर्स भी आप इसे खा सकते हैं। तो ये रेडी हो चुका है हमारा बेल पेपर चिकन। अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। तो ये थी बेल पेपर चिकन रेसिपी बाय जैस्मिन्स कुकिंग स्टाइल। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।